এই জায়গা দিয়ে না সিধা রাস্তা লাগিয়ে গেছে এই জায়গা আসলে বলবা এই রাস্তা যদি খোলা থাকে তাহলে ও জায়গার রাস্তা কি দেখে কি দরকার সেই তো পয়েন্ট আরে হেন দেনি এই যে দূর আলতা এখন তো পাওয়ার টেলার ওই জায়গায় আছে তো পাওয়ার টেলার রিডার আসার সময় আমি তোকে ফটো নিয়ে নেব ঠিক আছে এই যে এই যে এই যে ওই যে এই যে ছিল না এই যে আরে এই যে এই যে সেটা আছে नमस्कार वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। अब मैं मिलेन ग्राम वार्ड नंबर 2 में आई हूँ और यहाँ पर जो है आप हमारे डिगलीपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम देखकर अचंभा रह जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर जरूरत रहती वहाँ तो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन गरीब लोगों का जब कटाई होता है या कुछ करना हो तो सबसे आगे वो रहते हैं और वहाँ पर अपना काम 100% निभाते हैं। ऐसा ही आज हम मिलेन ग्राम के वार्ड नंबर 2 में आए हैं, जहाँ में एक परिवार का कहना है कि कला कहना है कि 6 तारीख को जो है यहाँ पर उनका जमीन, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, और यहाँ पर तुरंत वो लोग आते हैं विदाउट नोटिस या कुछ भी उनको नहीं देता और यहाँ पर डायरेक्ट आकर, जबकि घर में इनका कोई नहीं होता है, तब आकर यहाँ कटाई करके चला जाता है। जब पूछताछ करते हैं तब उनका ये कहना रहता है कि यहाँ पर नाला है जिस वजह से उनको दिक्कत हो रहा था, इसलिए जो है आप देख सकते हो यहाँ कोई नया कटाई नहीं हुआ। जैसे कि हम आके पूरा चीज़ देखे है, यहाँ पर कोई नया कटाई नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बैकग्राउंड में पेड़ दिखा रही हूँ, कितने बड़े बड़े पेड़ है, तो इससे आपको पता ही चलता है कि ये कितना पुराना जगह है जहाँ पे लोग जो है पेड़ लगाए थे, और पीछे भी इनका घर है, इसका सामने ही जो है ये जगह है। तो चलिए यहाँ से इन लोग से बात करते हैं, आखिर क्या हुआ उस दिन और इनका जगह जो है किस लिए काटा गया। आपका नाम? रंजित मिस्त्री जी। क्या हुआ था बोलिए। क्या हुआ था, शुक्रवार को हम लोग का तहसील ऑफिस में पूरा परिवार का साथ में बुलाया गया जी। उसके बाद में हम लोग सारा परिवार का साथ तहसीलदार ऑफिस पहुँच गया करीबन 9:30 बजे आसपास। तो पहुँचने का बाद में हम लोग का सारा परिवार का जमीन का जो सब डिविजन था उनका लिए बुलाया गया। तो हम लोग वहाँ पर थे 11:30 बजे तक, उतना में सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, घर में मेरे मिसेस थे और 18-19 साल के एक बेटी थे। तो उनके बाद में उन्होंने कैसा भी हमारे पास खबर भेजा कि हमारे यहाँ में तहसील ऑफिस से आया कि कहाँ से आया, पुलिस का साथ में आया और मेरा सुपारी पेड़ पूरा काटने शुरू कर दिया। तो सब्जी जो उसको क्या बोलता है, हम लोग बांग्ला में झिंगी बोलता है, तो उसका करीबन 40 kg तक हर दिन उसमें सब्जी मिलता। वो पेड़ को भी गिराया है और आप लोग सामने में देख सकता, तो हमारा घर से जो कारेंट भी गया है वो खंभा को भी वायर को काट दिया तो वो भी ढल गया है। तो उसका बाद में जब खबर मिला, खबर मिल के आने के बाद में देखता है कि मेरा सारा पेड़ सारा पौधा काट के गिराया गया है। रीजन क्या है, किस लिए काटे लो? पता नहीं, वो तो हम नहीं जानता, हमारा कोई नोटिस नहीं, हमारा कोई खबर नहीं। तो हम तो तहसील ऑफिस में थे और पूरा परिवार के साथ, तो मेरा मिसेस आए सामने में, मिसेस ने पूछा क्या बात भाई मेरा पेड़ काटता क्यों। तो मिसेस को पुलिस वाला ने गाली दिया, धमकाया है, वो मिसेस डर से अपना घर चले गया। उसके बाद में उन लोग का जो कार्रवाई है या पेड़ काटना है पूरा पेड़ का साथ में काट के चले गया। उसका बाद भी अब जाने कोशिश, ये कब लगाया होगा ये जमीन पे आप लोगों ने? ये जमीन जो है मेरा दादाजी उनका ही सेटलमेंट जमीन है, यहाँ में आपका 15 बीघा है, ये जो पेडी लैंड है और इनका बाद में बगल में और 2 प्लाट का बाद में हिली लैंड है। तो ये पेडी लैंड उसी टाइम में सफाई हुआ है जब मेरा दादाजी थे, तो कोई नया कटाई नहीं, नहीं कोई नया कटाई नहीं। तो उसका बाद में ये जो पेड़ पौधा गाड़ा गया है, मेरा पिता ने ब्लड सीरियल उन्होंने गाड़ के किया, तो उनका देखभाल मैं करता हूँ। कितने साल हो गया होगा? कितना साल, करीबन 35-40 साल। हमारा 45 डेज हमारा उम्र है, तो उस हम जब से समझता है उसी टाइम से खेती सफाई का। तब से हुआ रही प्रॉब्लम, अब ऐसा क्या हो गया कि तुरंत आया, सिर्फ आप ही का सामने जो आपने लगाया उसको काट कर चले गए? पता नहीं, वो मुझे पता नहीं है, वो तहसीलदार को या तहसील को मालूम है कि क्या कारण हुआ है, क्या कारण से किया है।
तो हमारा ना कोई नोटिस ना कोई खबर। तो अगर कुछ खबर होने से हम बोल सकता था ये कारण हुआ या ये हमको सुझाव दिया है कि ये करो वो करो, ऐसा कोई खबर नहीं। तो हम इसमें क्या बोल सकता है कि ये कारण ये मेरा बागीचा नुकसान करके गया। क्या लगता है आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना मनमानी कर रहा है? मनमानी बोलने से हमको उसी दिन हमारा सारा परिवार तहसील में बुलाया। हम तो बोलता है चारा सर तहसील चोरी करके करा है जी। ये हमारा साथ में शायद तहसील डिपार्टमेंट को ठीक है उनका नाराजी है या दुश्मनी है हमको पता नहीं, शायद दुश्मनी हो सकता, नहीं तो चोरी से ऐसा काम कैसा किया जाता है। क्योंकि आपका हक बनता है वैलिड रीजन जानना और एक आम जनता का हक बनता है कभी भी उसके साथ कुछ हो रहा है और पूछ रहा है आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको बताया जाए किस लिए चीज होता है। और वो चीज जो है इन लोग नहीं करते और अपना मनमानी करते हैं, जहां मन मर्जी होता है काटते हैं चले जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही हम बात करते हैं, हमारे साथ जो है यहां के जिला परिषद श्रीवास जी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? ये 7 तारीख को शुक्र को 7 तारीख शुक्रवार एक परिवार को तहसीलदार ऑफिस में म्यूटेशन के लिए बुलाया गया जी। और वो मौका देख के यानी मौका देख के नहीं मौका बनाया गया। अच्छा बनाया गया पूरा सजाएगा जो परिमाल आपका पटवारी है मेरा हिसाब से उन्होंने ही ये जो परिकल्पना है बनाया। ये लोग को 10 बजे परिमल कौन से पटवारी अभी चार्ज में है परिमल, तो वो शायद ये जो मैटर है इसको सजाया क्योंकि सेम डे में उसको बुला लिया तहसीलदार ऑफिस मेडिकेशन के लिए और उसी दिन घर में कोई नहीं था उस टाइम आके 20 साल पुराना बगीचा को काट दिया। रीजन पूछा बोलता वो नाली है, तो नाली तो सिर्फ 7-8 या 15 रनिंग मीटर के अंदर नाली नहीं है, नाली बहुत लंबा नाली है, तो यहाँ से इतना कटने का क्यों काटा ये तो समझना बहुत मुश्किल है। और इस साल सब्जी का जो चाहिदा है अंडमान में डिगलीपुर में किसान सब्जी उगा नहीं पा रहा है जी। बहुत मुश्किल से कोई कोई उगाता है और ज़्यादातर सब्जी नाली किनारे में ही होता है और इसमें इतना एक्सपेंडर से होता है कि एक एक किसान अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सब्जी फलता हुआ सब्जी का पेड़ सारा काट दिया, आप देख सकते हैं इधर। हाँ तो ये जो काटा है ये बहुत गलत किया है जी। तो मुझे हम कल या परसों तहसीलदार या इधर का जो असिस्टेंट कमिश्नर है या DC साहब को पूछने मांगता कि ऐसा क्या ज़रूरत हो गया कि एक ही पर्टिकुलर जगह में जरा सा बगीचा काट दिया गया अगल बगल शोर के, क्या कारण है? कारण हमको जानना है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है सर यहाँ ना रोड का इशू है क्योंकि हम रोड के ऊपर खड़े हैं 20 से जो गया है, ना ही इस वजह से नाली ब्लॉक हो रहा है, ऐसा कोई भी विषय नहीं जो इसमें काटा जाए, फिर भी ऐसा क्यों करें, अपना मनमानी क्यों करके जा रहे हैं सर डिपार्टमेंट? मेरा हिसाब में डिगलीपुर में जमीन का जो खरीद फरोख है जी बड़ा एक रैकेट चल रहा है और कहीं ना कहीं इसी से एक टसअप है जी। क्योंकि इसका अगल बगल बहुत पैसा वाले आदमी जमीन खरीद लिया और उसको रास्ता बनाने के लिए या उसका जमीन को कीमती बढ़ाने के लिए शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो नेचर है जी। पैसा वाला खेल है आप लोग को पता है, तो शायद जो जमीन खरीदा या जो लोग ये कारोबार करता है ये दोनों मिल के कार्रवाई किया होगा कि मेरा जमीन अच्छा डेवलप हो, नाली का रास्ता हो, ये सब हो सकता है, हम श्योर नहीं है। तो हमारा जो नॉर्थ मिडिल का DC साहब है उनसे विनती करता हूँ कि इसका थोड़ा संज्ञान ले और ऐसा क्यों हुआ, परिमल का इतना क्या ज़रूरत हुआ कि एक ही दिन में एक ही पर्सन को 2 जगह नोटिस करता है। फिलहाल तो इनक्रोच वाला जो काटा है इसमें तो नोटिस किया नहीं, लेकिन उधर बुला के लेके जाके घर को खाली करके ये जगह लेबर लेके आके काटने का क्या ज़रूरत है, ये मुझे जानना है जी। सर इसमें अरेक डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो काम सामने आके दिखाया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने काट कर चले गए इंक्रोचमेंट है बोलकर, सर ऐसे ही बहुत सारे विषय आता है जैसे कि नाला का आपने एक विषय भी उसमें आप भी इन्वॉल्व थे जो DK का केस आया था और वहाँ का गाँव का पूरे लोग जमा हुए थे कि उन्होंने पूरा नेचुरल नाला बंद हो गया था और उस पर अभी भी एक्शन नहीं हुआ, उन पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं होते हुए फटाफट गरीब इंसान पर एक्शन हो रहा है? मैडम यही तो सवाल है जी, क्योंकि यहाँ से 50 मीटर सामने एक जगह में एक इंसान एप्लीकेशन दिया, आज से 1 साल हो गया जी। नहीं करीबन 3 साल हो, 3 साल हो गया कि मेरा जाने का जमीन में अपना अलॉटमेंट जमीन में जाने का रास्ता नहीं है जी।
वो जगह रास्ता नहीं दिया, वो भी आपका नालिका रोड है उधर नहीं किया, आपका मिलन ग्राम वार्ड नंबर 3 में डी के नाली बंद करके रखा है, वो क्लियर करने का काम नहीं कर रहा है, तो इधर में किसी को अनजाने में ये काम क्यों किया? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, कोई पैसा वाला आदमी का काम हो सकता है कि पैसा वैसा खिला के जो रेवेन्यू वाला, तो पैसा रेवेन्यू वाला सब नहीं कही कही ठीक है, जैसा अभी पटवारी परिमल है, शायद परिमल को ऐसा कुछ कन्वेंस किया होगा, भैया ऐसा करो हम भी कर देता, मेरा जमीन डेवलप हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये मेरा डाउट है। और डीसी साहब से मेरा अनुरोध है, इसका पड़ताल कीजिए और इसका असली। जैसे कि आपने देखा अभी हम उस परिवार से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है यहाँ के जिला परिषद उनसे भी बात करें, तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारा उठता है, जहाँ पर मैंने फिर से कहा इन लोग फार्मर भी है, जहाँ पर इनका सुपारी पेड़ काटा गया जो भी इतना पुराना था, जिसमें फल आ रहा था, उसके साथ साथ साइड में देख सकते हो जो फार्मर है वो सब्जियां करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उस पेड़ से उस सब्जी से भी इनको क्या इतना दिक्कत आ गया था, इस नाली के पास में जो किनारे पे किया है उससे क्या दिक्कत आ गया कि उस पेड़ को भी, उस पौधा को भी, उस सब्जी को भी पूरा जो है ये लोग काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और मैं बार बार सवाल यही उठाऊंगी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो जब भी गरीब का मामला आता है तो तुरंत आते हैं और उनको जरूरत भी नहीं पड़ता है कि उनको इंटीमेट करे या कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक बड़े लोगों का सवाल है, जैसे कि मैंने डीके कॉन्ट्रेक्टर उसका भी नाम उठाया था, उनका जो नेचुरल नाला बंद था उस पर इन लोग कार्रवाई नहीं करते, ऐसे सारे चीजों में जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नया कटाई नहीं हुआ है, यहाँ पर कल जबरदस्ती जो है ये लोग कटाई करके चले गए, और इस पर एक्शन होना चाहिए और हमारा डीसी सर और एसी सर को ये सब में ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।